राजगढ़ थाना क्षेत्र के अमृतानी बगिया में आबकारी और पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट किया। जेसीबी की मदद से बड़ी मात्रा में लहन नष्ट किए गए। अमृतानी के कई क्षेत्र को आबकारी और पुलिस विभाग ने भट्टियों को तोड़ दिया, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कच्ची शराब बनाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभियान में लगभग 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। संयुक्त अभियान में एसपी तिवारी, ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर आर के सिन्हा, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर विजय प्रताप सिंह, जिला आबकारी अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में आबकारी निरीक्षकों और सिपाहियों की मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, हम दूसर तल खोज कुछ नहीं है सर, बड़ा भैया ला पता चल कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान जिला पुलिस गोरखपुर का चालू है और इलेक्शंस को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लगातार प्रेशर बनाए हुए इस तरह की गतिविधियों पर, जिससे कि इस पर नियंत्रण पाया जा सके और सभी हल्का अफसरों को, चौकी अफसरों को, थानेदारों को सख्त निर्देश है। जिनके यहाँ कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में उनको नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार एक जगह रेड करने के बाद हफ्ते 10 दिन बाद फिर लोग काम चालू कर लेते हैं या दूसरे लोग आ जाते हैं, तो इसमें हमने इनको डायरेक्ट निर्देश दिया है, हल्का दरोगा, बीट अफसर, थानेदारों को, कि वो लगातार ऐसे इलाकों को जहाँ पर इस तरह के धंधे होते हैं उन पर निगरानी रखें और लगातार उन पर सख्त कार्रवाई करें। जी, कुछ चौकी अफसरों ने अपने लेवल पर ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। पोस्टर से हम एक बार छेड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का भी बात छेड़ रहे हैं बात, और कई एक आध जगह जो है लाउड स्पीकर से भी हम अवेयरनेस का प्रोग्राम तक हम चला रहे हैं, जिससे कि लोग किस बुराई से थोड़ा दूर हों और हमारी निगाह में ना आने वाली चीज़ें भी हमें पता चलें। हम लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसके खिलाफ एक महकमा नहीं सभी लोगों ने सामने आना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए।